नमस्कार, मैं संदीप बिश्नोई एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेके हूं बीकानेर के नोखा तहसील में मुकाम मेले में जो ऊँटों का मेला लग रहा है। यहां साल में दो बार लग रहा है जिसमें अमावस के तुरंत बाद दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। यहां ऊँटों की बिक्री और क्रय किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ ऊँट है आते हैं। दूर दूर से व्यापारी आते हैं लेने वाले और दूर दूर से ही बेचने वाले आते हैं। तो मेन मुख्य चीज़ अपनी ये है कि अपने ऐसी क्या चीज़ रहती है कि जिससे ऊँट का अपने को पता चले ये ऊँट सस्ता है या ऊँट ये महंगा है, अपने को किस तरह देखना चाहिए। जैसे कि आपने मेरे वीडियो चैनल पे पहले भी वीडियो देखे हैं, थार पार करके देखे हैं, गिर के देखे हैं, अन्य गायों के भी देखे। तो आज हम बात कर रहे हैं ऊँट पे। तो सर आप ये बताओ भी इसमें ऐसी क्या चीज़ क्या विशेषता रहती है जिसके कारण वो ऊँट महंगा और सस्ता रहेगा? ऊँट की मुँह की ठुंडी छोटी, ठुंडी छोटी और पोट छोटी, गाड़ी छोटी और लार लो आन छोटो और पूंछड़ी छोटी और मूत्रनी छोटी, ये आठ नग छोटा आठ नग बड़ा। यानी कि एक ऊँट में आठ नग छोटे होने चाहिए और आठ बड़े होने चाहिए। हाँ, तो विश्व में कमर मोटी, ऊँट की कमर मोटी और अगला आन मोटा और नली मोटी, नस गर्दन मोटी और कान मोटा गर्दन मोटी और माकड़ी मोटी, बगल बगल मोटी होनी चाहिए, बगल मोटी एड छोटा। तो इस तरह जाकर 16 नग है वो ऊँट है। वह जचूड़ा हुआ है बे ऊँट महंगा। आवा कीमत मांगे आज की तारीख में 50,000 रुपया 50। जिस ऊँट में आठ नग बड़े और आठ नग छोटे वो ऊँट सुंदर और बिल्कुल सुशील ऊँट रहेगा। हाँ। और उसकी कम से कम कीमत है वो 50,000 रुपया है। जैसे कि आप ये ऊँट देख रहे हो इसमें जो आपने बताए हैं कान बताए हमें समझ में आ गई। हाँ। इन्होंने मूतनी बताई है वो ये है। हाँ। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि जो भाषा राजस्थानी है वो इनकी क्षेत्रीय भाषा है। तो आप इसी तरह जो आठ छोटे चीज है वो आप हमें हाथ लगा के बताएं कि कौन कौन सी चीज आठ छोटी। हाथ लगा बताऊंगे। हाँ हाथ लगा बताऊं। हाँ। बात छोटी है बाप, मुंह छोटा ठीक है, बात छोटा और ये इधर छोटा, मतलब जो ये चीज बनी है छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए ठीक है। और ये पौड़ छोटी, मतलब जो ये पैर का जो तड़ा है वो छोटा होना चाहिए, वो छोटा ठीक है। और पैर के और नली के बीच में ये गाली है आ छोटी ठीक है। फिर भी के बाद में आ गया ये अण छोटा, ये छोटा होना चाहिए। हाँ, और छोटा होना चाहिए ठीक है। ये वो मूतना है वो छोटा होना चाहिए ठीक है। ये पूछड़ी छोटी होनी चाहिए ठीक है। ये आठ नग है, आठ नग छोटी होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए वो बड़ा नग, बड़ा नग ऊँट का कान ठीक है बड़ा, ये नश गर्दन बड़ी होनी चाहिए ठीक है। और ये आन बड़ा होना चाहिए, ये आन मोटा ठीक है, ये नली मोटी ठीक है, ये पिंडा मोटा ठीक है, ओ पिंडा ठीक है, पिंडा मोटा और इसकी माकड़ी मोटी ठीक है, माकड़ी ये 16 नग। ये जो चीजें हैं ये 16 नग, आठ चीजें बड़ी होनी चाहिए और आठ चीजें छोटी होनी चाहिए। हाँ। यानी कि जो आठ चीजें छोटी है वो अगर बड़ी है तो वह ऊँट बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। हाँ। उसकी कीमत कम है, कम है। अभी मैं आपको ऊँट की यात्रा करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको जो आठ चीजें बताई है वो सभी आठों चीजें इसमें है मौजूद, मौजूद मौजूद है। यानी कि यह ऊँट है वो बिल्कुल सुप्रसिद्ध बढ़िया ऊँट है और यहाँ के कुछ प्रदर्शनियों में मेले में ये इनाम भी जीत चुका है, इसलिए हमने इस ऊँट को सिलेक्ट किया वीडियो बनाने में। और बिल्कुल शांत स्वभाव का ऊँट है। अभी मैं इस पर बैठ के आपको ऊँट के ऊपर खड़ा होके दिखाऊंगा कि किस तरह से बिल्कुल शांत प्रिय पशु है ये। और तोड़ो भी तोड़ो।
बीच में रोको, बीच में सेंटर में जा रहा हमने। थोड़ा दूर है सही आवे एकदम। अब उन्हें मेरे का मेरे का नहीं। आगे बिहार का आन दो, बुन्ना आ जो आगे। हाँ। आगे बिहार का फोटो आन दो बेड़ी। बराबर आवे। हाँ। बेड़ी आवे। दोनों क्या हुआ मरी? हाँ। फिक्र ना करो, उठ दो उठ दो, फिक्र ना करो, कब निकले तो चार वर्ष की बात करी, उठ कौन आला है?
ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।